ये कोई मूवी का प्लॉट या फिर सीन नहीं है, ये प्रोटेस्टर है जो गवर्नमेंट की न्यू अग्निपथ स्कीम को ओपोज करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन का राइट है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी भी है। अगर देश के लोग गवर्नमेंट के डिसीजन से अग्री या फिर खुश नहीं है तो प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ रेज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट पीसफुल होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब ये वायलेंट हो जाती है और गवर्नमेंट एंड आम आदमी का नुकसान होता है। इस प्रोटेस्ट में लोगों ने एक आम आदमी की कार जला दी और वो उनसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है। किसने भी जलाई है? वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने, वो बोले कि ये इंसाफ है क्या? और इसके अलावा 7 ट्रेन और दूसरी चीजों को भी जलाया गया है। अराउंड गवर्नमेंट को 700 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये इंडिया के लिए नई बात तो है नहीं। पास्ट में भी आपने कई बार देखा होगा कि प्रोटेस्ट पीसफुली तो स्टार्ट होती है लेकिन एंड आते आते वायलेंट हो जाती है और हमेशा गवर्नमेंट बसेस, ट्रेन और दूसरी चीजों को नुकसान करते हैं। तो इसी के साथ हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की नई अग्निपथ स्कीम क्या है और क्यों कई लोग इससे नाराज है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट पे वर्ल्ड में एक्टिव मिलिट्री आर्मी की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड रैंक पे है विथ 14.5 लाख सोल्जर्स। और कोविड के चलते हुए पिछले 2 सालों में इंडियन आर्मी ने कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं की थी, फिर भी हम पिछले डेटा को देखें 2018-19 में अराउंड 54,000 एंड 2019-20 में अराउंड 80,000 इंडियन आर्मी ने नई रिक्रूटमेंट की थी। रिसेंटली इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अभी के टाइम पे एवरेज इंडियन आर्मी की एज 32 ईयर है और ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है और उनका प्लान है कि अगले 10 साल में ये एज डिफरेंस 32 से कम करके 26 तक लाने का प्लान है। और यही एक रीज़न है कि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में अग्निपथ स्कीम है क्या। गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसके थ्रू 17 से 21 साल के लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा और ये एक रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी जिसका टर्म होगा 4 साल का, जिसमें इनिशियल 6 मंथ उनकी ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 साल उनको सर्व करना पड़ेगा। और 4 साल के बाद 25% लोगों को आर्मी में परमानेंट रखा जाएगा मेरिट के हिसाब से और बाकी के 75% लोगों को ड्यूटी से रिलीज किया जाएगा। और गवर्नमेंट इस स्कीम में दूसरे बेनिफिट भी दे रही है। अगर हम सबसे पहले सैलरी की बात करें तो अग्निवीरों को नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा सैलरी पे की जाएगी। इनिशियली उनकी सैलरी 4.76 लाख पर एनम और 30,000 पर मंथ होगी। इसमें से 21,000 उनको पे किया जाएगा और 9,000 एक कॉर्पस फंड में रखा जाएगा और गवर्नमेंट अपने एंड से सेम अमाउंट 9,000 उसमें ऐड करेगी। और 4 साल की सर्विस के बाद इनका पैकेज 4.76 से बढ़ के 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। और सैलरी के अलावा अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो उसमें सबसे पहला है रिस्क हार्डशिप अलाउंस, जिसको हम इंश्योरेंस कवर भी बोलते हैं। और अग्निवीर की सैलरी के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। और अगर कोई सोल्जर ड्यूटी के ऊपर शहीद होता है तो उनकी फैमिली को 48 लाख रुपीस का डेथ कंपनसेशन मिलेगा और साथ साथ में उनके बचे हुए सर्विस के ईयर का भी फुल पेमेंट दिया जाएगा। और लास्ट में अगर किसी सोल्जर को 4 साल के बाद उनकी ड्यूटी से रिलीज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उनको 11.7 लाख रुपीस का सेवा निधि पैकेज भी देगी। और उसके अगेंस्ट अगर सोल्जर चाहे तो गवर्नमेंट के पास से 18 लाख रुपए की लोन भी ले सकता है। और गवर्नमेंट ने इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू भी साइन किया जिसके थ्रू अग्निवीरों को डिप्लोमा एंड बैचलर्स की डिग्री भी दी जाएगी। और इन केस अगर वो 4 साल के बाद अपनी ड्यूटी से रिलीज किए जा रहे हैं तो वो फ्यूचर स्टडी एंड नॉर्मल जॉब भी कर सकते हैं और ये डिग्री यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होगी। और इसके अलावा अग्निवीरों को स्टेट पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस में प्रायोरिटी भी दी जाएगी। गवर्नमेंट के हिसाब से वो हर एक अग्निवीर के ऊपर उनकी ट्रेनिंग से उनकी सर्विस तक 80 लाख रुपीज़ खर्च करने वाले हैं। तो अभी शायद आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नमेंट ये स्कीम अलग से क्यों लॉन्च कर रही है। अगर आर्मी की एज का ही प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा नॉर्मल रिक्रूटमेंट कर लेती तो भी ये बैलेंस आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ और रीज़न भी है जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू फुलफिल हो रहे हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने आगे बात की कि इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज एंड ट्रांसफॉर्म करने का, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इंडियन आर्मी के पास इतना बजट नहीं है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वेपन के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। ईयर 2020 में चाइना का मिलिट्री बजट था अराउंड $178 बिलियन
और इंडिया का सिर्फ 72.9 बिलियन डॉलर। और अगर हम इंडियन डिफेंस बजट को डिवाइड करें तो मेनली चार चीज़ों में सबसे ज़्यादा बजट अलॉट होता है, और इस बजट को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो होता है 5.25 ट्रिलियन, जिसमें से सबसे पहला रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की पेंशन में जाता है जो होता है अराउंड 1.19 ट्रिलियन, और उसके बाद एक्टिव आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी में जाता है वो भी ऑलमोस्ट होता है 1.19 ट्रिलियन, और तीसरी जगह पे आता है आर्मी की फूड एंड वेलबींग, उसके ऊपर खर्च होता है अराउंड 0.8 ट्रिलियन डॉलर, और लास्ट में बचा हुआ 1.85 ट्रिलियन बजट वेपन के मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्निकल एनहांसमेंट के ऊपर खर्च होता है। और ये इनफ नहीं है, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट एक्टिव मिलिट्री को कम करना चाहती है एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहती है, इसीलिए अग्निपथ स्कीम के थ्रू हमेशा गवर्नमेंट के पास इनफ सोल्जर तो रहेंगे और चार साल के बाद वो 75% सोल्जर को रिलीज कर सकते हैं और उसके ऊपर उनको पेंशन भी पे नहीं करनी पड़ेगी, और एवरी ईयर ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा रीज़न है कि इस स्कीम के थ्रू फ्यूचर में इंडिया के पास हमेशा बैकअप ट्रेन सोल्जर्स है जिनको इंडिया वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में यूज़ कर सकता है, और यही रीजन है कि कई कंट्रीज में उनके सारे सिटीजन्स को कुछ सालों की आर्मी ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है। कुछ लोग इस स्कीम से खुश नहीं है और उनके अलग अलग रीजन भी है। कई एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने यह कहा है कि किसी भी सोल्जर को बैटल के लिए रेडी करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम में उनकी ये ट्रेनिंग सिर्फ 6 मंथ में कंप्लीट होने वाली, जो शायद इनफ नहीं है। और दूसरा रीजन है प्रोफेशनलिज्म एंड फाइटिंग स्पिरिट। इंडियन आर्मी को इंडिया की सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सर्विस माना जाता है। अगर किसी सोल्जर को ये पता नहीं है कि वो 4 साल के बाद आर्मी में कंटिन्यू करने वाला है कि नहीं, तो उनमें वो लेवल का प्रोफेशनलिज्म एंड फाइटिंग स्पिरिट देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है कंपनसेशन। स्कीम में जैसा बताया गया है कि 4 साल के बाद जिनको रिलीज़ किया जाएगा और उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो इनफ नहीं है। जैसा आपको पता है कि इंडियन आर्मी की जॉब हाई रिस्क एंड लाइफ रिस्किंग जॉब है, और उनको शायद 4 साल की सर्विस करने के बाद नॉर्मल लाइफ एंड नॉर्मल जॉब करने में शायद डिफिकल्टी हो सकती है। और लास्ट रीज़न है ट्रेन रिसोर्सेज। कई लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर किसी सोल्जर को 4 साल के बाद रिलीज़ किया गया और उन्होंने किसी एक्सट्रीमिस्ट या फिर वायलेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो इंडिया के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी आर्मी ऑफिसर ने किसी एक्सट्रीमिस्ट या फिर वायलेंट ग्रुप को ज्वाइन किया हो, और इंडियन आर्मी अपनी कोर वैल्यूज, इथिक्स एंड डिसिप्लिन के ऊपर काम करती है, तो ऐसा फ्यूचर में भी शायद कभी नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछे तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन गवर्नमेंट की गलती ये है कि उन्होंने पूरी स्कीम की इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए, और पास्ट में भी हम लोग ने यही चीज़ देखी है कि गवर्नमेंट अच्छी स्कीम तो लॉन्च करती है लेकिन उनका कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ये स्कीम्स सक्सेसफुल नहीं होती। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट वन।